हे गाइस, मैं हूं तनुजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू इजी वे। तो कैसे आप बालों को लंबा कर सकते हैं, घने कर सकते हैं, हेयर फॉल को कैसे आप रोक सकते हैं, इस टॉपिक में आज मैं कुछ टिप्स आप लोगों से शेयर करने वाली हूं। क्योंकि हम लोग का डेली लाइफ स्टाइल में ना ऐसा बहुत सारा मिस्टेक होते हैं जो हम लोग करते हैं और उस हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है, लेकिन उससे ना बाद में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो जो भी टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगी उसको आप फॉलो कीजिए, देन उसके बाद आप खुद इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे अपना हेयर पे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर वन है कि हम लोगों को अपना हेयर को डेली वॉश नहीं करना है, क्योंकि हम लोग में से बहुत कोई है जो अपना हेयर को डेली वॉश करते हैं। इससे हम लोग का जो हेयर है वो क्लीन हो जाएंगे लेकिन हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि जो स्कैल्प होते हैं ना, स्कैल्प में जो नेचुरल ऑयल होते हैं वो कम हो जाएंगे, जिससे हम लोगों का जो हेयर है वो हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आप ये बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपको डेली शैम्पू का यूज़ नहीं करना है। तो टिप नंबर टू है कि आपको अपना हेयर को ट्रिम ज़रूर करना चाहिए। आप जो हेयर को लंबा रखें, बालों को लंबा रखें, लेकिन आपको ट्रिम इसको बीच बीच में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो रूट्स होते हैं उसको मजबूती मिलती है और साथ में स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम यानी कि दो मुहे बाल का जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आप 4 और 5 वीक्स में अपना हेयर को ट्रिम एक बार ज़रूर करवाएं। तो आपको ट्रिम करने के लिए कोई भी पार्लर में जाके हमेशा करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप खुद भी इसको घर में कर सकते हैं। आप खुद घर में 4 और 5 वीक्स में एक बार इसको ज़रूर कीजिए। तो टिप नंबर 3 है कि आपको अपना हेयर को गीले बालों में बिल्कुल भी कॉम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कोई होता है कि गीले बालों में ही कॉम करते हैं, तो इससे ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं। क्योंकि जब गीले बाल रहते हैं ना, उस टाइम जो हेयर रूट्स होते हैं वो थोड़ा वीक हो जाते हैं, और जब हम लोग उसमें से कंघी करते हैं यानी कि कॉम करते हैं, तब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं यानी कि बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो इसलिए आप कभी भी गीले बालों में हेयर को कॉम ना करें, और साथ में आप हमेशा बालों को पहले सुखा लें, उसके बाद ही आपको कॉम करना है। और बालों को सुखाने के लिए भी आप कोई भी हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें, नेचुरल जो तरीके होते हैं उसी से आप हमेशा बालों को सुखाएं, क्योंकि हेयर ड्रायर से ना बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बाल हेयर टूटते बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको गीले बालों में कॉम नहीं करना है, और आपको पहले नेचुरल तरीका से हेयर को सुखाना है, उसके बाद ही आपको कॉम करना है। टिप नंबर 4 है कि आपको अपना हेयर को गर्म पानी से बिल्कुल भी हेयर को वॉश नहीं करना है, क्योंकि बहुत कोई होते हैं जो गर्म पानी से हेयर को वॉश करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हेयर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हम लोग अगर डेली गर्म पानी से नहाएंगे ना, तो हमारे जो स्किन का नेचुरल ऑयल होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जिससे हमारे स्किन जो है वो ड्राई हो जाएंगे। और सेम हेयर में भी हम लोगों को गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे हमारा जो हेयर है वो ड्राई हो जाएंगे, स्कैल्प ड्राई हो जाएंगे, और स्कैल्प ड्राई होने से हम लोगों को डैंड्रफ का प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, डैंड्रफ का चांसेस हो जाएंगे और ज़्यादा। तो इसलिए आप ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको गर्म पानी से बिल्कुल भी अपना हेयर को वॉश नहीं करना है। आपको रूम टेम्परेचर का जो नॉर्मल पानी होता है उसी से आपको, यानी कि आपको ठंडा पानी से हमेशा आपको हेयर को वॉश करना है। तो टिप नंबर 5 है कि आपको वीक में एक बार स्कैल्प को मसाज ज़रूर करना चाहिए गाइस, क्योंकि इससे आपका जो हेयर है वो ग्रोथ होंगे, आपका जो स्कैल्प है वो मॉइस्चराइज होंगे। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए, और आप जैतून का तेल या फिर कैस्टर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल से अपना हेयर को वीक में एक बार ज़रूर मसाज करें। और आपको बॉयल को कर लेना है डबल बॉयलिंग प्रोसेस पे, थोड़ा सा गर्म, आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म करना है, और उसको आपको मसाज करना है 1 घंटा या फिर 2 घंटा तक आपको रखना है उस ऑयल को, या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और उसके बाद आपको शैम्पू से वॉश कर लेना है। तो गाइस टिप नंबर 6 है कि आपको ड्राई हेयर में शैम्पू का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। आप हमेशा बालों को पहले गीला कर लीजिए, उसके बाद ही आप शैम्पू का अप्लाई कीजिए, और शैम्पू का अप्लाई भी आपको करना है। इसलिए आप शैम्पू ले लीजिए, उसमें आपको पानी ऐड करना है, और पानी ऐड करने के बाद आप चाहे तो विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, फिर उसको मिला लीजिए, और उसके बाद आप गीले बालों में उस शैम्पू का अप्लाई कीजिए। इससे आपका हेयर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होंगे, आपका हेयर में एक हेल्दी लुक आएंगे। तो आप ऐसे करके विटामिन ई का कैप्सूल के साथ आप कभी भी शैम्पू को यूज़ करके देखिए, बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ लगेंगे, आपका हेयर जो है मॉइस्चराइज रहेंगे। तो गाइस ये बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ड्राई हेयर में बिल्कुल भी शैम्पू का अप्लाई नहीं करना है। विंटर चल रहा है, तो अभी डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो विंटर हेयर केयर में मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए एंड देन उसको फॉलो भी कीजिए, उसको इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे।
तो टिप नंबर 7 है, आप जब भी हेयर को कॉम करें ना, आप जो मोटे दांत वाला कंघी होते हैं उससे ही आप कॉम करें, क्योंकि उससे बाल टूटते बहुत ज़्यादा कम है, और जो पतले दांत वाले कंघी होते हैं ना उससे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो इसलिए आप ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब भी कॉम करें आप मोटे दांत वाला कंघी का ही यूज़ किया करें। तो टिप नंबर 8 है कि बहुत कोई होते हैं कि अपना जो हेयर है उसको पोंछने के लिए ना टॉवल से बहुत ज़ोर ज़ोर से बालों को एकदम बहुत ज़ोर से रब करते हैं, रगड़ते हैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे टॉवल रख के आपको जस्ट ऐसे ऐसे करके नॉर्मली आपको हेयर को पोंछना है। और बहुत कोई ये भी करते हैं कि बालों को जल्दी सुखाने के लिए ना झाड़ते हैं, बाल को झाड़ते हैं ऐसे टॉवल से, ये चीज़ हम बहुत जन को देखे हैं। तो अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप बिल्कुल इसको बंद कर दीजिए करना, क्योंकि इससे बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और बाल बहुत ज़्यादा टूटते भी हैं। इसलिए आप ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। टिप नंबर 9 है कि आप जब भी बालों को बांधें, यानी कि जब भी आप चोटी बनाएं, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइट ना बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट बनाने से क्या होगा कि जो हमारे जो हेयर का रूट्स होते हैं ना वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, और जिससे हम लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम होंगे। तो आप ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से बहुत ज़्यादा टाइटली आपको हेयर को नहीं बांधना है। तो टिप नंबर 10 है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो पानी कम पीते हैं। बालों को पोषण देने के लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो हमारे बॉडी है ना वो हाइड्रेट रहते हैं। तो इसलिए आप ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, आपको दिन में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर ही पीना है। तो गाइज़ ये रहा आज का मेरा 10 टिप्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो से रिलेटेड या फिर स्किन हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जानना है तो आप हमको नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।